गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम सुमेर खान. जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं आपको आज एक बात शेयर करने वाला हूँ. उस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा. जिस तरीके से आज आपके फ्रेंड ने आपको आज पेपर प्लान दिखाया, या किस तरीके से आज आपके फ्रेंड ने आपको किसी सेमिनार्स में लेकर गया, या कोई भी फ्रेंड आपको किसी भी प्रोजेक्टर के थ्रू आपको एक सामी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को दिखाया, उसी तरीके से आज से लगभग 3.5 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया था एक कॉलेज इवेंट के अंदर कि मेरी लाइफ बदल जाएगी. मैं उस इवेंट के अंदर गया और मैंने अपनी लाइफ को देखा और मेरी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हुई. आज मैं क्या हूँ, मैं ये आपको यही बताना है कि आज मैं 2000 लोगों का नेटवर्क है. लगभग 1.5 लाख रुपए की मेरे पास बाइक है जिसका नाम R15 है. 8 लाख रुपए की कार जो मैंने अपनी खुद सेल्फ इनकम से ली है, वो भी सामी डायरेक्ट की इनकम से. सामी डायरेक्ट क्या है, जैसे कि आज आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके किसी दोस्त ने आपको आज पेपर पे समझाया है कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, आपको सामी डायरेक्ट करनी चाहिए. आपके किसी फ्रेंड ने सेमिनार्स के अंदर प्रोजेक्टर के थ्रू समझाया, मुझे भी समझाया था. मेरे पास ज्वाइन करने को पैसा नहीं था, जिस तरीके से आपके पास ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है. बट एक बार बताइए, पैसा नहीं आपको तभी तो करना है, अगर पैसा होता तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. आज भी आपके पास पैसा नहीं है, कल भी आपके पास पैसा नहीं था, आप ऐसा कर क्या रहे हैं कि आपके पास पैसा ही पैसा हो. पैसों की प्रॉब्लम अगर दूर होगी तो पैसों से ही दूर होगी क्या. और एक बार बताइए, 6500 रुपये लगा के आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं. आप शुक्र भेजो उस इंसान का जो इंसान ये आपको वीडियो दिखा रहा है, और उस इंसान का जिस इंसान ने आपको आज एक सामी डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म समझाया, आज आपको एक नेटवर्किंग का प्लान समझाया, आपको आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी से हुबहू कराया जिसका नाम सामी डायरेक्ट है. डियर माय फ्रेंड, आप लोगों के लिए खुशनसीबी है कि आप एक बहुत कम उम्र के अंदर नेटवर्किंग के अंदर आए. अगर मैं 18 साल के अंदर नेटवर्किंग के अंदर आता तो आज मेरी उम्र 23 साल है. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाता. जो ग्राफ आज आपको समझाया कि 1 साल में 10 लोग, तो आप सोचिए मेरे साथ 6 साल के अंदर 40,000 लोग होते और 23 साल के अंदर एशिया का सबसे बड़ा करोड़पति मैं हो सकता था. बट मेंशन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन डियर, आज आपको आपके फ्रेंड ने जो ये चीज़ समझाई है पेपर के ऊपर, या किसी सेमिनार्स के अंदर, या आपके घर पर आकर जो आज आपको प्लान दिखाया है, मुझे भी दिखाया गया था. जिस तरीके से आपके मन में डाउट है कि कंपनी भाग नहीं जाए, या पैसा मेरा डूब नहीं जाए, या मुझसे दोनों होंगे नहीं होंगे, डियर ये मेरे भी डाउट्स थे. बट मेरे मन में एक ही चीज़ आया, मैंने थोड़ा बड़ा सोचा कि यार लाइफ में कुछ बड़ा मैं कर सकता हूँ या करूँगा, और मैंने करने की ठानी. और मैंने ठानने के बाद आज 3.5 साल के बाद 2000 लोगों का नेटवर्क, 1.5 लाख रुपए की बाइक, 8 लाख रुपए की कार, लगभग 60,000 रुपए के मोबाइल, और अभी मैंने अपनी मॉम को उम्रे को भेजा 75,000 रुपीज़ देकर, और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ के अंदर मैं iPhone 8 लेने वाला हूँ इसी बिजनेस के अंदर से. तो डियर, अगर मेरे साथ हो पाया तो ये तब हो पाया जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया. जिस तरीके से आप सोच विचार कर रहे हैं, मैंने सोच विचार नहीं करा था, मुझको समझ में आया था, बस पैसों की प्रॉब्लम थी जिस तरीके से आज आपको भी है. बट पैसों की प्रॉब्लम दूर कौन करेगा, वो आप ही दूर करोगे. अब सवाल ये आता है कि मैं राय ले लूँ, मशवरा ले लूँ, एडवाइस ले लूँ, किससे एडवाइस लेंगे. डियर, अगर आपको एक बाइक चाहिए, फॉर एग्जांपल जिस बाइक का नाम है R15, तो आप किससे लेना पसंद करेंगे, उस इंसान से राय लेना पसंद करेंगे जिस इंसान के पास R15 है. अगर आपको कोई कार पसंद है, लाइक अ BMW आपको अगर पसंद है, तो आप उसी इंसान से राय लेंगे जिस इंसान को BMW चलना आती है, या जो जिसके पास BMW है. आप उस इंसान से राय नहीं लेंगे जिसके पास हीरो बुक है. आप उस इंसान से राय नहीं लेंगे जिसके पास नैनो है. तो ठीक मेरे भाई, जिस तरीके से सामी डायरेक्ट आज आपको समझाई गई है, तो आपको किससे राय लेनी चाहिए. आपको उस इंसान से राय लेनी चाहिए जिस इंसान ने आपको आज सामी डायरेक्ट का प्लान समझाया है. उस इंसान से पूछो, या उन लोगों से राय लो जो आज सामी डायरेक्ट के अंदर मुझ जैसे और मुझसे भी ऊपर लेवल पर पैसे कमा रहे हैं. आप उन लोगों से राय लो. आप करते क्या हैं, आप ही से बात करो आप उस इंसान से राय लेते हैं जो नाले के डंडे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा और किसी का इंतजार कर रहा है. आप उसके पास जाते हो और पूछते हैं, भाई क्या मैं सामी डायरेक्ट कर लूँ, तो आप खुद सोचिए क्या वो आपको कैसी राय देगा. आपने अपनी सोच उस इंसान से जाके शेयर कर दी जिस इंसान की सोच उसके पैरों में है, क्यों इसलिए तो नाली के डंडे पे खड़ा है. अगर आपकी सोच बड़ी होगी तभी तो आप सामी डायरेक्ट करोगे. तो सामी डायरेक्ट की राय उसी इंसान से लो जो इंसान सामी डायरेक्ट में है. और एक बात मैं आपको बताऊं,
छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को बड़ा नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ा सकती। दिया राय लेनी है तो आप राय लो उस इंसान से जो आज आपको ये वीडियो दिखा रहा है कि मुझे स्टार्ट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं। उस इंसान से राय मत लो जो इंसान आपके घर पे बैठा है। मैं पापा से पूछ के बताऊंगा यार, क्या आपने कभी भी किसी भी इंसान को या किसी भी इंसान ने कभी भी कोई गलत काम करने से पहले पापा से पूछा? बाइक तेज चलाने से पहले क्या पापा से पूछा? या गर्लफ्रेंड बनाने से पहले आपने पापा से पूछा? या बॉयफ्रेंड बनाने से पहले क्या आपने पापा से पूछा? नहीं पूछा। या जब आप एक गलत काम पापा से पूछकर नहीं कर रहे तो एक अच्छा काम जिसके अंदर आपकी लाइफ बदल सकती है वो तो आप पापा से पूछ के कर सकते हैं, वो पापा से पूछ के करेंगे। अगर आपके पापा ने मना कर दिया तो क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे, लाइफ नहीं बदलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पापा से मत पूछो, मम्मी से मत पूछो, आप पापा से भी पूछो, मम्मी से भी पूछो, बट अगर आपके पापा मना करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आप घर पे पूछो, आप अपने फ्रेंड से पूछो, आप इस तरीके से पूछो कि पापा मैंने अभी, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बताया जिसका नाम है PD। व्हाट इज़ PD? पापा इसके अंदर मुझे कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा, इसके अंदर मुझे आर्ट ऑफ स्पीकिंग सिखाया जाएगा, इसके अंदर मुझे बॉडी लैंग्वेज सिखाया जाएगा, इसके अंदर मुझे ड्रेसिंग सेंस सिखाया जाएगा, और सबसे अच्छी बात पापा इसके अंदर मुझे इंटरव्यू स्किल सिखाया जाएगा। अगर आप इस तरीके से पापा से बात करेंगे तो शायद आपके पापा आपको इस बिजनेस को करने दें। लेकिन अगर आप पापा से जाके ये कहेंगे कि पापा मैंने एक कंपनी को देखा है, मैं ज्वाइन कर लूँ, तो भाई मैंने आपको बताई इतनी बात, उस इंसान ने जिस ये जो इंसान आपको ये वीडियो दिखा रहा है उसने बताया आपको इतनी बात, आपके समझ में आई इतनी, घर जाते जाते रह जाएगी इतनी, और आपके पापा हाथ जोड़ के कहेंगे कि सॉरी मुझे ये काम नहीं करना। तो डियर, अगर राय लेनी है तो उस इंसान से लो जो इंसान ये आपको वीडियो दिखा रहा है, उस इंसान से लो जो इस इंसान ने आपको आज सामी डायरेक का प्लान दिखाया, उस इंसान से राय मत लेना जो इंसान डायरेक के डंडे पे खड़ा है। क्योंकि डियर, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, जिंदगी आपकी है, आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार आपकी मम्मी पापा को जिंदगी भर में पैसा नहीं दे सकता सिवाय आपके। तो एडवाइस भी उसी इंसान से लो जो इंसान ने आपको आज वीडियो दिखा रहा है। लास्ट में इतना ही कहूँगा मेरे भाई जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, कि मैंने भी इस सफ़र को अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट किया। अगर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो अपनी मर्ज़ी से मैंने फैसला लिया, इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। आप भी फैसला लेंगे इंशाल्लाह विद इन 3 ईयर्स के अंदर आप भी मेरी जगह पे खड़े होंगे, डिपेंड करता है आपके फैसले के ऊपर। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मिलते हैं फिर किसी और।